व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली क्या है, ये गाड़ी काफी दिन से पार्किंग में खड़ी हुई थी और उसकी वजह से जो है इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मे बी यार मैं डर गई। एक्चुअली इसकी छत भी खुली रह गई थी तो बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई थी। अभी कंपनी में कॉल करके बुलाया है तो उन्होंने बोला थोड़ी देर इसको आप चलाओ और उसके बाद जो है इसको खड़ी कर देना, देन अभी आपको चलाते हो। इसका एसी ऑन नहीं रखना है और भी बहुत सारी बातें बोली है। तो दीपक जा रहे थे बट लेबर के जाने का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं जाके चक्कर मार के आ जाती हूँ, आप जाके लेबर से फ्री हो जाओ और ये दोनों को भी मैं साथ लेके आ गई हूँ। मेरे को अकेले चक्कर मारना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा रिधांश को ले आती हूँ, सीट बेल्ट लगा। तो जब मैं रिधांश को लेकर आने लगी तो ये महाशय गट्टू जी भी रोने लगे बहुत तेज तेज, रिधांश को मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो। तो इसके चलते अब ये दोनों मेरे साथ आ गए और हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। गाइस हम फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ अकेले बिल्कुल पापा को घर पे छोड़ के जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। और गाइस अब पता मम्मी ने सीख लिया कैरेक्टर चलाना, पहले पार्किंग में दिक्कत होती है, हमारे को इतनी बड़ी गाड़ी है यार। यस पर मम्मी ने सीख लिया। तो मुझे सबसे ज्यादा क्यूट पता है क्या लगा, ये छोटी सी टॉयलेट की शीट, बेबी टॉयलेट की शीट, ये देखो नॉर्मल साइज ये होता है और ये कितनी क्यूट है ना। 7:30 और मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए बिकॉज मेरे हैंड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इनफैक्ट आई कैन से कि मेरा राइट हैंड बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था, मतलब अब वो कंडीशन आ चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ से एक पेन भी उठने वाला नहीं है। तो फटाफट कल मैं गई क्लिनिक पर और मैंने एक सिटिंग ली, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला और पेन किलर भी खाई। देन अब मैंने सोचा कि रेगुलरिटी में 15 दिन मिनिमम आऊँगी और अपने इस हाथ को एकदम ठीक कर लूँगी और लिटिल बिट सर्वाइकल वाला पेन है उसको भी हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छा सा और मैं नहा चुकी हूँ, गीले गीले बालों रखे हैं, सुबह इसलिए जल्दी आ गई बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है और टाइम नहीं मिल पाता कहीं जाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट एक काम से फ्री हो जाते हैं। तो चलती हैं अंदर। मैजिक से खुलता है, खुल गया क्या? हाँ खुल गया। नहीं खुला। वाह। तो अभी गट्टू जिद कर रहा है कि ये मनी हाउस रहेगा पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा चलो। नहीं बेटा। अबे रुक जा डॉगी। गाइस हमारी बालकनी में एक यहाँ पर एक कबूतर आ गया और गट्टू रोए जा रहा है। क्यों रो रहे हो बेटा? कबूतर के आने से इतना डर तो आप कबूतर से क्या करेंगे? आपको चोट से खा जाएगा, एसी खराब कर देगा, इसलिए टेंशन है। ओए राम, देखो कितना घर का ध्यान रखता है ये। पर है कहाँ पर है शी, उसको जगह नहीं मिल रही ना बेटा, निकालेंगे उसको। एक मिनट रुक जा ले। अरे आ जा, देखो आ रहा है ले। एक्चुअली ये दो कबूतर आए थे, एक भाग गया फिर वापस लेने आया अपने दोस्त को और एक कबूतर मशीन के पीछे आ गया। वो बैठा नहीं दिख रहा। ये वाला सारा रास्ता जो है बंद है, अगर हमको वॉशरूम जाना है तो इसके नीचे से निकल के जाना पड़ेगा और एक इंसान आ गया, ये बहुत बिजी है काम कराने में। चाहिए पेंसिल। शो यू कि ये इस टाइम हमारा स्लीपिंग रूम बन चुका है। गट्टू और मेरे बेटे ऐसे प्यार कर रहे हैं और दीपक कूड़े डाल रहा है। गाइस तीन बार पंछी आ चुके हैं यहाँ पर, तीन बार पंछी आ चुके ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, ये बहुत डरपोक है, डरपोक। विधांश कहाँ गया आज? विधांश गया नदी हो। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गट्टू की ये मूंछें कैसी लग रही है, मतलब कितना क्यूट लग रहा है ना मुझे तो ये इन मूंछों में। हमने खाना नहीं बनाया, रोज हम लोग राइस बनाते थे, आज एकादशी है तो वी विल नॉट हैव राइस टुडे और आज हम खाने वाले हैं कचौड़ी। ये हमारे घर के पास एक नई शॉप खुली है
तो हमने सोचा कि उन्हें ट्राई कर ली जाए कचौड़ी, है ना भाई गट्टू, कैसी लग रही हो? भैया कितनी पढ़ाई करी है बताओ जल्दी, सबको पता होना चाहिए आप कितनी मेहनत करते हो। एमकॉम कहाँ से की है? नागपुर। नागपुर से, और ये कब से काम कर रहे हो? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। अब कहाँ जॉब लगी है? आकाशवाणी। अरे वाह, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अब फाइनल कब से ज्वाइन करोगे? 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद, अच्छा। और वैसे कहाँ से रहने वाले हो? यूपी। यूपी में कौन सी जगह से? यूपी में हमारा जिला बुंदेलखंड है, महोबा जिला। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो मतलब मेहनत के बारे में, क्या करना चाहिए इंसान को? शर्मा के, अरे लोग देखेंगे, देखो कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई करने के बाद आप काम कर रहे हो। आपने कितनी पढ़ाई की है? चल अबे चल, यही रहेगा। तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 7 और हम आए हैं ऑफिस में नहाने, मतलब मैं नहा चुकी हूँ, ये भी नहा चुका है और इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा घर जाने का, बिकॉज इतनी साफ सुथरी जगह से वापस मिट्टी में जाना। एक्चुअली बंगा ये है कि हम यहाँ सो सकते थे बट हम यहाँ नहीं सो सकते, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो बहुत सारी विंडोज या घर पूरा खुला पड़ा है तो कोई भी आ सकता है, मतलब चोर लुटेरे डाकू। सो इसलिए हमको वहीं सोना पड़ेगा। दीपक बोल रहा था कि तुम ऑफिस में सो जाओ और मैं घर अकेला सो जाऊंगा, बट ऐसा भी ठीक नहीं लगता। तो जो भी टाइम है हम साथ ही गुजारेंगे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो। फिलहाल बहुत बकवास हो गई है, छोड़ूंगी मैं घर और हम जाएंगे सब्जी लेने के लिए, और ये भी एक तरह का बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है जिसे करने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मुझे सब्जी खरीदना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैंने लाइफ की पहली सब्जियां खरीदनी शुरू करी थी, बट नाउ इट इज़ लाइक हेल कि ऐसा लगता है कि कोई बंदा हो ये सब कुछ मैनेज कर ले, किचन मैनेज कर ले, सब्जी मैनेज कर ले, फालतू के सारे काम मैनेज कर ले और बस मुझे टाइम दे दे। अब चल रहे चलते हैं, इसको बेचारे को पता है कि कुछ भी हो हमको जाना पड़ेगा वापस, और अब मैं कोशिश करूंगी डेली व्लॉग डालने की। चले बेटा, अबे यार टॉय अभी घर साफ हो जाएगा तब ले लियो। टॉय भी दे लाना है। नो यस। आलू ले लिए, मेरे हाथ में देख रहे हो कितना बोझ है, 20 किलो का तो होगा पक्का। दिस इज लाइफ, मतलब आपको सब्जी खरीदनी ही पड़ेगी शादी के बाद, चाहे आप कितना भी बचने की कोशिश करो ना पड़ेगा क्योंकि चाबी और थैला हाथ में गड़ रहा है। इसका पैर ठीक हो गया ना? बिल्कुल अब नहीं है इसके पैर में ना, है अब इसके वो नेल्स, ये भी तो एज भी तो ज्यादा हो गई इसकी।